हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो करंट फीलिंग को लेकर है। अब ये करंट फीलिंग किसी की भी हो सकती है, आपके फ्रेंड, आपके किसी फैमिली मेंबर, आपके लवर, आप जिनके भी बारे में जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए, आप जिनके भी बारे में जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आप उन पर फोकस कीजिए और मैं रीडिंग को आगे बढ़ाऊंगी। तो आप जिनके भी बारे में जानना चाहते हैं गाइस, वो इस वक्त ऐसी एनर्जी में है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। बहुत से लोगों की जिम्मेदारियां उनके ऊपर है और खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, और वहाँ से कैसे निकलें ऐसा वो इंसान सोचता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्डन उसने ले रखा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर दिखाई देता है। हर किसी की ज़रूरत को पूरा उसे ही करना है, हर किसी की जिम्मेदारी उस पर ही है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन में भी वो इंसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ऐसी एनर्जी भी उसकी है। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है गाइस कि पास्ट में किसी कारण से इस इंसान से आपकी दूरियाँ बढ़ी हैं, आप इनसे दूर हुए हो, ऐसा भी दिखाई देता है यहाँ पर। अब ये कौन है ये आपको पता होगा, तो इनके साथ आपके शायद कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं या और कोई भी रीज़न रहा होगा जो आप दोनों के बीच दूरियाँ बढ़ी और आप इनसे दूर हो गए। और यह इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया और इसने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर भी किया है पास्ट में, ऐसा भी दिखाई देता है। और यहाँ पर यह भी है गाइस कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा भी है, जिसकी वजह से कुछ लोगों के जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, तो वो आपसे दूरी बनाए हैं, शायद किसी थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि आप दोनों के बीच कोई तीसरा था। ये लवर ही है आपका, ऐसा नहीं कह रही हूँ, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप दोनों के बीच कोई तीसरा ऐसा इंसान था जिसने आपका रिश्ता ख़राब किया है। और कुछ लोगों के लिए कोई और कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां बढ़ी और आप दोनों अलग हो गए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर यह भी है गाइस कि जो इंसान आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हो, वो इसी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा था, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा था, क्योंकि उसने बहुत से लोगों की जिम्मेदारियां ले रखी हैं। शायद अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उसी की है, सारे परिवार का बोझ उसी के ऊपर है, ये भी हो सकता है। तो वो जिम्मेदारियों में बंधा हुआ था और उसे ये लगता था कि जिन लोगों की जिम्मेदारियाँ उस पर है, पहले उन पर उसे ध्यान देना होगा, बाद में वो कोई और बात सोचे। तो इसीलिए वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा था, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहा था। लेकिन अभी जो उसकी एनर्जी है वो ये है कि अब वो हर चीज़ को साइड में करके आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। जो भी लोगों की जिम्मेदारियां उसके ऊपर है, जहां भी वो फंसा हुआ है, वहां से वो निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, ऐसा यहां दिखाई देता है। आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपके साथ अब अपना रिश्ता सुधारना चाहता है, और वो ये भी चाहता है गाइस कि आगे फ्यूचर में भी आप उसके साथ रहो। वो आपसे अलग नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि आप दोनों का साथ बना रहे। पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ था, तो अब वो चाहता है कि इस रिश्ते को सुधार ले और आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाए, क्योंकि आपका साथ उसके लिए ज़रूरी है, ऐसा उस इंसान को लगता है। और जब वो इंसान आपसे अलग हुआ है गाइस, तो उसे धोखा भी मिला है, जहाँ भी वो स्टक है वहाँ पर परेशान भी है, खुश नहीं है, इस वजह से भी वो आपकी तरफ ध्यान दे रहा है। उसका सारा ध्यान अभी आप ही की तरफ है, क्योंकि उसे पता है कि आप जो केयर करते हो, आप जो सपोर्ट उसे करते हो, वो कोई नहीं कर सकता। और जब आप उसके साथ रिश्ते में थे, तो आपने उसके लिए बहुत कुछ किया भी है, आपने ये भी सोचा था कि इस रिश्ते को आप कभी टूटने नहीं दोगे, आप आगे तक साथ रहोगे, लेकिन उस इंसान की गलतियों की वजह से ही आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो अब वो इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है और आपको बहुत ज़्यादा वो याद करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अभी भी वो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि किस तरह वो आपसे बातचीत शुरू करे, किस तरह वो आपकी तरफ बढ़े, किस तरह आपको वो मनाए, क्योंकि उसे मालूम है कि पास्ट में जो भी उसने गलतियाँ की, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इस वजह से आप उससे नाराज़ भी हो। तो आपको वो जानता है कि आप इतनी आसानी से मानने वाले हो भी नहीं, क्योंकि सारी गलती उसी की थी, आपने तो बहुत कोशिश की थी रिश्ते को बचा कर रखने की, लेकिन उसकी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई, और इस वजह से आप अभी नाराज़ भी हो उस पर, ये भी वो जानता है। और वो डर भी रहा है कि अगर वो आपसे बातचीत शुरू करना चाहता भी है, तो आप उससे अब बात करोगे भी या नहीं, या उसे अब आप अपनी ज़िंदगी में वापस आने दोगे भी या नहीं, ये भी वो इंसान डरता है। लेकिन फिर भी वो चाहता है कि चाहे जो हो जाए, किसी भी तरह उसे आपसे अब बात करनी है, किसी भी तरह आपकी तरफ उसे बढ़ना है और किसी भी तरह आपके साथ अपना रिश्ता सुधारना है, ये वो इंसान सोच रहा है। और आपसे अलग होने के बाद गाइस, वो इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुआ है,
गॉड की तरफ उसका बहुत ज़्यादा ध्यान अभी दिखाई देता है और वो बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहा है कि किसी भी तरह आप उसके ज़िंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि आपके साथ उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, खुशियाँ मिली हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। तो यही चाहता है कि अब आप किसी भी तरह वो आपको मना ले और आप उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहा है। और यूनिवर्स उसे खुद ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस कि उसे आपका साथ बनाकर रखना चाहिए, आपसे दूरी बनाकर वो खुश नहीं रह सकता, ये खुद ही यूनिवर्स उसे समझा रहे हैं, जिसकी वजह से ही उस इंसान का माइंड अभी आपकी तरफ चला गया है। पास्ट में उसने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, ऐसा दिखाई देता है, आपको इग्नोर भी करता था, आपको उतनी ज़्यादा वैल्यू उस इंसान ने नहीं दी, जबकि आपने उसके लिए सब कुछ किया है, उसे आप बहुत ज़्यादा खुश रखते थे, प्यार देते थे, उसकी केयर करते थे, लेकिन उसने आपकी कदर नहीं की, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यूनिवर्स जब उसे समझा रहे हैं कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और वो ये बता रहे हैं कि उसे किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ रहकर ही उसे अबंडेंस मिलेगी, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहेंगी, तो अब उस इंसान का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है और वो यही चाहता है कि आपके साथ अपना रिश्ता अब वो सुधार ले। अगर आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हो गाइस, तो पॉजिटिव रहकर उनको मैनिफेस्ट कीजिए और ख़ुद पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए परेशान रहने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ लव सीखिए, और जितना ज़्यादा आप खुद पर फोकस करेंगे वो इंसान आपकी तरफ उतना ही जल्दी अट्रैक्ट होगा। तो यही रीडिंग है गाइस, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।